बीते दिनों 7 सितंबर को टुडे हेडलाइंस की ओर से एबी कॉलेज रोड पर एक महिला संबंधी खबर को दिखाया गया था, जो कि नाले का पानी पीकर झाड़ियों में रह रही थी। उसके बाद स्थानीय लोगों ने थाना डिवीज़न नंबर 2 की पुलिस को सूचित किया। वहीं पुलिस ने जिला प्रबंधकीय कॉम्प्लेक्स से DPO टीम को बुलाया था, जिसके बाद टीम ने कहा था कि इस महिला का मेडिकल करवा SDM पठानकोट के सामने पेश कर शेल्टर होम में भेज दिया जाएगा। वहीं आज महिला संबंधी सूचना देने वाले लोगों ने बताया है कि उक्त महिला सिविल अस्पताल के सामने धोबी घाट एरिया में देखी गई है। समाज सेविका सुदेश ठाकुर और सन्नी मनहास ने DPO टीम की कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठाए हैं कि सरकार किस बात की तनख्वाह इन लोगों को देती है। अगर उन्होंने काम ही नहीं करना तो उनको इन ओहदों से निकाल देना चाहिए। वहीं जब DPO टीम के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कहा है कि उक्त महिला का मेडिकल पुलिस की देखरेख में हुआ था, मगर महिला उनके साथ जाने को तैयार नहीं थी, इसलिए पुलिस की मौजूदगी में उक्त महिला को छोड़ दिया गया। भाई 7 तरीक ना असं अपनी गड्डी ठीक कराने गए, उसने आप पहली भी न्यूज़ लगाई है टूडे हेडलाइन के द्वारा। उत्थे आप DPO टीम जी मलकपुर है उन्होंने स्पैशल टीम को फोन किया कि इतने एक महिला जी कि थोड़ी मैंटली अपसैट है, तो वो गंदा पानी पी रही थी, खाने की कोई प्रोपर जगह नहीं, तो आप इसलिए संस्था को फोन किया कि संस्था आके उसे सही टिकाने पर पहुँचाए। पर इन्होंने की किया है कल ही अज ही सानू खबर का पता लगे कि वो लेडीज़ ना इतने सब्जी मंडी घूम रही है, हॉस्पिटल के बाहर ना घूम रही है। फिर ये संस्था किस चीज़ लिए बनाई गई है? मैं सरकार तो एक इस चीज़ का जवाब मंगना कि यह संस्था किस चीज़ लिए बनाई गई। उसे 4 बंदे आए और 4 बंदे की जिम्मेवारी ही उन्होंने की वो लिस्ट बना के किसी अगे सेंड की, इस चीज़ की सानू डिटेल मिलनी चाहिए है। उत्थे पुलिस मुलाजिम भी आए ही ते और भी काफ़ी जेडे संस्था के लोग आए ही, पर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जे इदा ही चलता रहेगा तो की फायदा फिर सानू इस प्रकार की संस्था का? जे इन्हों को कुछ नहीं हों तो फिर सानू दस देंगे जो भी साढ़े को साढ़े नाल कुछ बंदे जेडे मैंबर सा जुड़े ही उन्होंने सहयोग नाल आपां किसे ही टिकाने पर पहुँचाते, उन्होंने नवे कपड़े दवाते, रोटी का प्रबंध करते, वह रहन का प्रबंध करते। आपां सरकार नूं ते मलकपुर जिहड़ा इह संस्था आ जिहड़ा उन्होंने वड्डे ऑफिसर आ उन्होंने यह अपील करना चाहते हैं कि प्लीज़ ये गौर करो इस चीज़ पर, तुहानूं जिस काम लई रख्या गया ना वो काम जरूर उस काम वल ध्यान दिओ। ये नहीं है कि आए कैमरे के सामने कि हाँ जी जी हाँ जी कित्थे घर है जी कित्थे है की तुम की करते बाद चुने फिर रोड पर छोड़ दो। पहले तो मैं अपना पिछे दे मेरा नाम सुदेश ठाकर है, अपने 24 नंबर वार्ड तो मैं बोल रही हूँ। तो थोड़े दिन 7 तरीक की गल हैगी अपना AV कॉलेज हैगा, वो सामने ना एक लेडी से ही बेचारी पागल जी तो झाड़ियों के पे दी, मैंने मुंडिया ने फोन किया तो मैं उत्थे चल गई। तो जिस टाइम उत्थे गई हूँ वो हालत मेरे को देखी नहीं गई हैगी, ठीक है। उन्होंने मैं मेरे हसबेंड ने मैंने फोन किया कहता इतने जल्दी आ एक लेडीज़ पई है, बहुत ही बुरा हाल ही देखा नहीं जान देता। देखो अभी भी लेडीज़ है, तो मैं उन्होंने चुका के तो आप पहले 2 नंबर थाने फोन किया, फिर आप मीडिया बुलाई है, ठीक है। तो उस तो बाद देखो जी इस तो बाद अं सरकारी संस्था जी बनाई दी इन्होंने वो अं बुलाई है, तो इन्होंने मैं मेरे नाल वादा किया मैडम जी पहली गल है यदि तो कार्रवाई कोई नहीं हो सकती। मैं क्या मैडम जी तुम भी लेडीज़ हो मैं भी लेडीज़ हाँ, कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती है? तो रोड से कुत्ता मर जाए तो वो पिछले पब्लिक कट्ठी होती है, कुत्ता रखे दा ही, ठीक है। तो वो तो एक लेडीज़ हैगी ही, तो इन्होंने चुक के लै गए, मगर उस टाइम लै गए ना मेरे उतों अं लेडीज़ चुकई है, लेडी पुलिस भी हैगी मेरे नाल जेंट्स भी है ही, इन्होंने लेडीज़ चुकई है। उस तो बाद ही कहते ही बड़ी जिम्मेवारी चुक के तेन अं हॉस्पिटल दाखिल करावे जिते मतलब पिंगलिया पुंगलिया का इलाज होंगे जो पागल वगैरह होंगे जो भी है, ठीक है। तो मैं तो दोवे सरकार कहना चाहनी BJP सरकार भी कहना चाहनी कांग्रेस भी कहना चाहनी पर जदों के बने दे इन्होंने किया गई है जेडे पिंगले रोडों पर खज्जल होने पागल होना जो तो जिम्मेवारी इन्हें हैगी है ना, ठीक है ना। हूँ उस दिन बाद मैं देखा जो सा कोई अपना मुंडा बेचारा रोड से गया तो देखा तो उत्थे अपने सिविल हॉस्पिटल के बैकसाइड इदा ही पागल जिदा अगे ही पागल ही तो रोड के घूमन दी है, कहदी जिम्मेवारी चुकी ही इन्होंने? जिन्होंने जिम्मेवारी चुकनी नहीं दिते आए क्यों ही तनखावं किसी चीज़ दियाँ लेंदे ने? पुलिस भी बड़ी धौस दिखाती है जे कोई बच्चा रोड से शराब पी के फिरता तो उन्होंने वह चलान करते चिट्टे वाले चलान क्यों नहीं करते? परसों चौथ उत्ते गए मैं कहा सारे इन्हों फड़ो एक कहते अगे मुंडा पागल पर जा रहा जो एक्सीडेंट हो जा कहता ही पागलों की जिम्मेवारी नहीं ली हैगी, तो जिम्मेवारी तुम्हें ली की चीज़ मैंने ये दस किस चीज़ की जिम्मेवारी ले दी है? नोट लैन की जिम्मेवारी ले दी है लख हाँ जी। मैं कहनी सर जी उन्होंने सेफ्टी रखा जाए जिस तरह उन्होंने लेती ही ना किसी होस्पिटल दाखिल कराते चंगी तरह केयर करवाते, इदा भी तो हामी पुणा करके खाते ही है ना, तो जे 10-20 हज़ार वे तो ला दे नहीं इन्होंने केयर करनी मैंने दस दे मैं अपने घर लै जी मैं ला दी 10-20 हज़ार कोई गल नहीं मैं भी एक लेडी सी
मैं इन्हों लोगों वास्ते कर दी तो कोई वास्ते कर लेंदी, मैंने कोई फर्क नहीं पैना। मैं ही मांग करना चाहनी इस इंसाफ के सर इस लेडीज़ को जो उधर लिता गया इतों यदि जिम्मेवारी चुकी जाए, इन्हू उ जहाँ जे चुकना आए ही उन्होंने कहा वापस लैके तो उ हॉस्पिटल के दाखिल करा। I hope once you visit this campus, your all queries regarding admission shall be fulfilled. Do visit us before seeking admission anyway. Ragi Home Decor. Give your home, offices, interior and exterior walls, ceiling, furniture and door panel an elegant look. Expert in UV PVC wall, wallpapers, partition jali. Aapki kalpanik soch ko utare aakar mein. और आकार सवारे वार्ड नंबर 11 नियर नोबेल्टी मॉल ममून रोड पठानकोट।